बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर जाबिर बनकश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वीडियो बनाई थी वो माइक ऑन था नहीं तो आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी दोबारा वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं गर्दन को मजबूत करने के लिए, पट्टों में दर्द होने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, अगर आपको अचानक पंच पड़ता है तो उस वक्त आप कुछ चक्कर आते हो और आप बेहोश हो जाते हो, नॉकआउट हो जाते हो, तो उसके लिए आपने एक एक एक्सरसाइज करनी है। तीन तीन के सेट लगाने, चारों के सेट लगाने, पांचवी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, वार्म अप करने के लिए वन, मतलब सीधा कर रखे, वन टू थ्री, इसी तरह आपने 10 बार करने, इससे आपको थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। फिर आपने सेम वन टू थ्री, फिर इसी तरह आपने लेफ्ट साइड पर आपने इसी तरह गर्दन को घुमाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे वन, अब पीछे की तरफ हम जाएंगे लेकिन हाथों से जोर देंगे ताकि वो हाथ उसको जाने ना दे, इससे आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे। ये पोजीशन है, वन टू थ्री, इसी तरह आपने 10 सेट लगाने, तीन मरतबा 10-10 करके 3 सेट लगाने। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सही, अब पहले हमने पीछे के, फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ यूँ रखने हैं, वन टू थ्री, इसी तरह आपने 10 सेट ये लगाने हैं। फिर आपने को तीसरा सेट लगाने, ये हाथ रखने, वन टू थ्री, 10 सेट, 1 2 3 करके 10 मरतबा आपने 3 सेट ये लगाने। फिर इसी तरह वन टू थ्री, 10 सेट आपने ये लगाने। अब होता क्या कि जब हमें पंच पड़ता है तो अचानक हम जो है उस वक्त चक्कर आने लगते हैं, गिर जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं, फाइट में भी और स्ट्रीट फाइट में भी। इसके लिए अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे, आपके मजबूत कमर, वो सॉरी पट्टे, आपके गर्दन के पट्टे जो है ना आपके, वो मजबूत हो जाएंगे। जो स्टार्ट में हमने किया था वन टू, ये फिर उसके जब ये चारों सेट आप लगाएंगे, चारों सेट लगाने के बाद फिर आपने ये वाला सेट दोबारा एक बार करना है, इससे आपके गर्दन और ये पट्टे, ये आपकी अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।